महाराष्ट्र की सियासत में हालात पल पल बदल रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने को लेकर खींचतान चल रही थी, फिर अचानक बीजेपी ने एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट होते हुए देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर खत्म हुआ। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके बीजेपी को सरकार बनाने का समर्थन दिया था और खुद डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन पहले ही डिप्टी सीएम की शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाने वाले अजीत पवार ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? दरअसल अजीत पवार पर पारिवारिक दबाव अहम माना जा रहा है। परिवार की ओर से कोशिश की जा रही थी कि अजीत इस्तीफा देकर पार्टी और परिवार को टूटने से बचा ले। पहले एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार को मनाने में जुटे थे, लेकिन अजीत पवार नहीं मान रहे थे। अजीत को मनाने के पीछे शरद पवार की सूझबूझ भी मानी जा रही है। अजीत को विधायक दल के नेता से तो पवार ने हटा दिया, लेकिन उन्हें पार्टी से नहीं निकाला। दूसरी तरफ परिवार के लोग लगातार अजीत को इमोशनल करके पार्टी में लौटने को मनाते रहे। अजीत पवार को मनाने में उनके भाई श्री कृष्णन पवार का अहम रोल माना जा रहा है। इसके अलावा सुप्रिया सुले के पति सदानंद भालचंद्र सुले ने भी अजीत पवार से संपर्क किया था और पार्टी में लौटने को कहा था। बाद में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार से बात कर उन्हें इस्तीफा देने को कहा। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने तो अजीत से यहां तक कह दिया कि आज इस्तीफा दो, नहीं तो कल विधानसभा से दूर रहो। पारिवारिक दबाव के बाद अजीत पवार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद ही अजीत पवार ने फडणवीस के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और आखिरकार गेंद शरद पवार के पाले में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।